वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेकर आई हूँ फिर से एक स्ट्रीट फूड की रेसिपी, मिसल पाव, मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिसल पाव बनाने के लिए मैंने लिया है आधी कप उबालकर मैश किया हुआ आलू, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच नींबू का रस, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, आधी कप मिक्सचर नमकीन, पाव वाला ब्रेड और थोड़ा सा लेना है हमें तेल या मक्खन। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा और उसमें डाल देंगे अदरक और साथ ही हम डाल देंगे हमारे सारे सूखे मसाले। और फिर थोड़ा सा पानी और मसालों को हमने फिर स्टर फ्राई करना है, चलाना है इसको, एक दो मिनट तक चलाना है। नमक भी ऐड कर देंगे। जब तक मसालों का पानी पूरा ड्राई ना हो जाए और मसाले जो है आपकी कढ़ाई या पैन से अलग होने लगे तब तक ही हमें इसको चलाना है। बहुत ज्यादा भी नहीं फ्राई करने की जरूरत है, रोस्ट करने की। तो ये हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे आधी कप पानी। इस तरह से इसको हम पूरा मिलाकर लिक्विड कर लेंगे। इसमें उबाल आने लगा। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे उबालकर मैश किए हुए आलू। आलू को हमें इसको एक थिकनिंग एजेंट की तरह यूज करना है, बस इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए आलू। तो पूरी तरह से हम उसको घुल जाने देंगे इस ग्रेवी के अंदर। आलू को अच्छे से मैश करके हमें इसमें घोल देना है ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। बस इसमें आ गया उबाल। अब हम डाल देंगे नींबू का रस और फ्लेम को ऑफ करके एक कटोरी में इसको सर्व करेंगे। आधी कटोरी मैंने लिया है ये लिक्विड ग्रेवी और इसमें डालेंगे हम 2-3 चम्मच मिक्सचर नमकीन, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अब हम एक तवे पे थोड़ा सा बटर या तेल लगाकर पाव को सेक लेंगे दोनों ओर से। ये हो गया हमारा पाव तैयार। अब हम इसको सर्व करेंगे मिसल के साथ गर्मा गर्म। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।